हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। और आज हम जा रहे हैं शिमला जाने की तैयारी होगी और अब यहाँ से चल रहे हैं घर से। वहाँ जाके आपको सारा सीन बताएंगे क्योंकि पहुँचते मे भी 6-7 बज जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे 1 बज गए और 5-6 घंटे का सफ़र है। तो फिर मैं आज का व्लॉग नहीं, डे टू ही दिखाऊंगा। अगर आज रात को माल उड़ गए तो उसका भी सीन दिखाऊंगा। रास्ते में एक फर्स्ट ब्रेक लिया और खाना खाने के लिए एक बहुत ओपन बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, उसका लुक दिखाता हूँ। जिस रूम में हमने स्टे किया और उसका छोटा सा शॉट लेने के बाद एंटर करते ही ये वॉशरूम है। सिंपल एंटर करते ही वॉशरूम है और चलो आगे दिखाते हैं। काफ़ी एयर काफ़ी मैसी हो गया और अब डिनर पे जाना है। डिनर करके आपको मैं रात का सीन दिखाता हूँ। शिमला जाने के लिए रेडी हैं। शायद माल रोड या एडवांस इंडियन इंस्टीट्यूट में जाएं जो कॉलेज था पहले, और जहाँ भी जाएंगे आज का व्यू दिखाऊंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू। तो अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ से आगे जाके रिच है और ऊपर जाके माल रोड है और सीधा जाके चर्च माल रोड के सीधा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी और अब बंद है। तो दिखाते हैं आपका पूरा व्यू। चलो अब शॉर्टकट से ऊपर चलते हैं। क्या बात है।
वो रही चर्च, और इसके ऊपर जो है जाके जाखू मंदिर है हनुमान जी का। शायद बादल हैं, मौसम बहुत अच्छा था सुबह भी, तो शायद ना दिखे। यहाँ चर्च का साइड गेट ओपन और यहाँ से जाना है। जाखू मंदिर के लिए रोप वे ले रहे हैं और वहां तक जाना है रोप वे के लिए। और बोला जाखू मंदिर और रोप वे, जाखू रोप वे पहुंच गया। आधा रास्ते तो यही कवर हो गया होगा शायद, लेकिन नहीं, थकान पूरी होगी। आगे आगे दिखाते हैं रोप वे का सीन और टिकट प्राइस सारा कुछ बताऊंगा। अप डाउन के लिए 550 पर पर्सन और चार जनों का 550 कितना हुआ 2200। चार जनों का 6 मिनट में जाखू मंदिर पहुंचाएगी। इसके बाद हमारी टर्न है, अभी रोप वे स्टार्ट होनी है और आगे का व्यू दिखाता हूँ। रोप वे की ओर से आते हुए जो हमने जाखू मंदिर में एंटर किया, तब जाखू मंदिर का ये प्राचीन मंदिर के दर्शन हुए। इस मंदिर के अंदर जाने से पहले साफ साफ लिखा गया था कि अंदर की कोई भी वीडियो बनाना साफ मना थी, तो हमने इसकी एक भी वीडियो कैप्चर नहीं की। इस मंदिर की इतिहास के मुताबिक जब श्री राम जी और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था, तब श्री लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और श्री राम जी ने हनुमान जी को हिमालय की ओर भेजा और संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। और तब हनुमान जी रास्ते में आते हुए उन्होंने जाखू हिल पे विश्राम करने का सोचा। इनका एक चरण पड़ते ही जाखू हिल पैताल की ओर नीचे हो गया। तब श्री हनुमान जी ने यहाँ पे विश्राम किया और यहाँ पे इनके चरण के निशान भी हैं, जिसको एक छोटे से मंदिर में संभाल के रखा गया है। जो विशाल मूर्ति आप 108 फीट की देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक परिवार ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 108 फीट की मूर्ति बनाई, जिसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन के हाथों हुआ। 108 फीट की मूर्ति बनाने के पीछे का कारण यह है कि श्री हनुमान जी को 108 नामों से जाना जाता है। ये 108 फीट की मूर्ति माल रोड से साफ साफ हनुमान जी का दर्शन करवाती है, जो कि टूरिस्ट के लिए और भी अट्रैक्टिव दर्शन बड़े अच्छे से बन चुका है। और अब रोपवे की साइड से ही नीचे जा रहे हैं, बड़ी अच्छे दर्शन हुए। मंदिर की एक भी मैंने अंदर से कोई भी एक फुटेज नहीं ली, क्योंकि मना था। और काफ़ी प्यारा मंदिर है, काफ़ी आ गए हैं नीचे, दर्शन हो गए और अब नीचे जा रहे हैं माल रोड की साइड। ऊपर से नीचे रोपवे तक भी काफ़ी लंबी चढ़ाई है। सो हेलो एंड दिस इज डे 3 इन शिमला और आज हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर। Thank you.
मौसम था आज, दो तीन दिन से काफी बढ़िया मौसम है, अच्छा। जा रहे हैं यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गए जाखू मंदिर में भी और काफी बढ़िया था। चलो चलिए, क्या व्यू है यार, कैमरे में तो सुंदर ही है। मंदिर से आगे और वापस जा रहे हैं। सुबह हमने निकलना है और कल कहीं नहीं घूमना, तो अभी मैं ये व्लॉग को बंद कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो में मिलेंगे।